नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मित्रों, आज मैं जो परी का अमल लेकर आया हूँ, आज तक ना आपने कभी ऐसा अमल किया होगा ना आपको कोई बताया होगा। मित्रों, पैसों से घर भरने की अमल लेकर आया हूँ। मित्रों, सांप की केचुली से परी की हाजिरी कैसे प्राप्त करें, क्या विधि अपनाएं, क्या मंत्र अपनाएं जिससे कभी पैसों की कमी हमारे घर में ना हो। तो मित्रों, ध्यान से इस वीडियो को सुनना। इसमें जो आज मेन मंत्र और मेन पॉइंट बताने वाला हूँ ना, इसे नोट करके कॉपी में रख लेना, क्योंकि मित्रों बेहद आसान साधना, बेहद आसान अमल है, लेकिन करने में थोड़ा मेहनत लगेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, तो चलिए मित्रों, बिना देर के साधना की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, अगर सच में आप परी की हाजिरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अमल का इजाज़त एक बार अवश्य लें। इजाज़त के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, परी आपका जायज ना जायज सब काम करेगी। किसी भी प्रकार की अगर काम हो, आपको घर में पैसों की कमी हो रही है, दुश्मन परेशान कर रहा है, लॉटरी का नंबर जानना चाहते हैं आदि, किसी भी प्रकार की अगर आपको काम परी से कराना है तो आप परी से काम करा सकते हो। मित्रों, इसमें आपको सांप की केचुली की आवश्यकता पड़ेगी। एक्चुअली किसी भी सांप की आप लेकर आ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे मंगलवार के दिन ही लाना। मित्रों, इस अमल को करने से पहले अच्छे से नहा धो लेना, काला लिवाज पहन लेना, 3 लवंग अपने पॉकेट में रख लेना और बदन पे खुशबूदार इत्र छिड़क लेना। और सांप की केचुली ढूंढने जाए तो 1 लवंग खाकर ही जाए। मित्रों, सांप की केचुली जैसे ही आपको मिल जाती है, आप अपने घर लाएं और उस केचुली में आपको क्या करना है, खुशबूदार इत्र छिड़क देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस केचुली, जो सांप की केचुली है, केचुली, केचुआ या केचुली, उसमें आपको आग लगा देनी है। और आपको जो स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को 21 मरतबा पढ़नी है। और जो सांप की केचुआ है, केचुली बोलो या केचुआ बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सांप की केचुली है, उसकी जो राख बचेगी, उस राख को अपने माथे पर चंदन की जैसा एक तिलक लगा लेना। और राख को आप एक डिब्बे में बंद करके अगले दिन किसी भी बहती नदी में, आपको धारा में, किसी भी बहती धाराओं में आपको प्रवाहित कर देना है, यानी कि बहा देना है। और जो मंत्र आपने उस दिन पढ़ा था, उसी मंत्र को फिर से 21 मरतबा पढ़ लेना और खुशबूदार इत्र छिड़कते हुए आप अपने कमरे में चले आना। उसी रात मित्रों लगभग 11 बजे आपके कमरे में परी की हाजिरी होगी। परी आपको जगाएगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको जग जानी है। परी को जो भी सलाम नमस्ते करना चाहते हैं कर लेना, परी आपका जायज ना जायज सब काम करेगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, इस प्रकार से आप परी की हाजिरी प्राप्त करके आप अपना काम करा सकते हो। मित्रों, तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा यह साधना, तो एक बार ज़रूर करना। चलिए मित्रों, हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट साधना के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल। मित्रों।